हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं। मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे समझ लेंगे। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। जैसे फोर्स है, सबको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे आप मान लीजिए, आप कहीं पे कह रहे हैं इस पॉइंट पे आपका चार्ज रखा हुआ है, सपोज कोई चार्ज है हमारा Q1, ठीक है। इसके पास आपका चार्ज रखा हुआ है Q2, इसके पास हमारा चार्ज रखा हुआ है Q3, इसके पास हमारा चार्ज रखा है Q4। ऐसे हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है Q5 रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, Q1 रखा हुआ है। तो होगा क्या बच्चा, देखो Q1 है, अब आपके पास Q4, Q5 ऐसे करके अलग अलग पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, उसके आसपास और सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो वो सब उसमें फोर्स लगाएंगे। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बस एक ही चीज का ध्यान लगाना है, जो मैंने सबसे पहले वीडियो पढ़ाया था कैप्सूल, जो मैंने बोला था वो कैप्सूल बोली थी कि आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब अट्रैक्ट या रिपेल यानी कि फोर्स लगाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, आप यहाँ भी फोर्स की बात करेंगे, तो Q1 ऐसा पार्टिकल है जिसपे मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि Q1 पे लगने वाला फोर्स मुझे पता करना है। तो Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, देखो Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, Q5, ऐसे Qn बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब आपने करना क्या है, देखो जब आपका ये फोर्स लगेगा तो आपको दो बातों का ध्यान लगाना होता है। एक तो फोर्स कैसे लगता है आपका, एक लाइन के अलोंग, जो उन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही होती है उसके अलोंग लगता है। तो आपका जैसे F12, अगर मैं जैसे कह रहा हूँ F12 किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लगा, कौन रहा है 2। तो पहले कौन बोलते हैं, बोला था मैंने पहले जो मार खा रहा है वो बोलते हैं, फिर सेकंड कौन मार रहा है, तो 1 को मार लग रही है, मार कौन रहा है, सॉरी इसको Q2 कह देता हूँ, ये Q3 हो गया, F12 हो गया, ठीक है। अब ये Q3 है तो 3 का फोर्स देखोगे तो बेटा उसकी डायरेक्शन आप लोग ये ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका F13। 1 पे लगने वाला फोर्स कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। फिर ऐसे ही अगर यहाँ लोगे तो 1 पे कौन लगा रहा है आपका, 4 लगा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F14 हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, F15 हो जाएगा, कहीं ऐसे रख दो इसको, ये समझाने के लिए आप इसको कहीं भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये आपने लिख दिया, ये आपका F15 लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे nth अगर कोई पार्टिकल है तो वो भी फोर्स लगा रहा होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्या, PF1n हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे कोई मान लीजिए क्वांटिटी है, एक उस पर फोर्स इधर डायरेक्शन में लगा रहा है, एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर इधर 7 लग रहा है, इधर को 5 लग रहा है, तो रिजल्टेंट 2 न्यूटन होगा। तो अगर सिंपल डायरेक्शन में रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां डायरेक्शन मैटर कर रही है। जैसे अगर मैं इधर को 5 लगा रहा हूँ, मान लो आप भी यहाँ पे खड़े हो गए, इधर को 5 लगा रहे हैं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, समझ रहे हैं। मैं 5 लगा रहा हूँ, आप 3 लगा रहे हो, तो 8 हो जाएगा। तो बेटा वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q1 पे लगा रहे हैं, तो हर किसी की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से अलग अलग रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज का जो ध्यान आपको रखना है, वो बात ये है, आप इसकी डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मतलब सॉरी, ये जो चार्जेस है Q1, Q2 है, कहीं भी रख सकते हैं, तो डायरेक्शंस कहीं को भी बनेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हों, उन चार्जेस की वजह से आप किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू ऑल दैट चार्जेस, तो वो जो फोर्स होगा उस चार्ज के ऊपर, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस। कहने का मतलब है, मैं Q1 पे लगने वाला फोर्स निकाल रहा हूं Q2, Q3, Q4 की वजह से। जैसे मैंने आपको क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक में पीछे चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा था, एडिटिव प्रॉपर्टी, जब मैंने बताया वहां बोला था एल्जेब्रिक सम होता है चार्जेस के लिए, मैंने बोला था एल्जेब्रिक सम होता है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर जब होता है तो प्लस और माइनस का साइन कंसिडर हम लोग करते हैं, वेक्टर में प्लस माइनस नहीं लेते हैं, वेक्टर के अंदर हम लोग वो प्लस माइनस का रोल हमारा डायरेक्शन प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला उसने, इट स्टेट्स दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बेसिकली एड करना होता है, ये सुपरपोजिशन आपका अलग अलग जगह पे लगेगा, फोर्सेस में भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगेगा, क्लास 11 में वेव पढ़ी होंगी वहां भी लगा होगा, इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस बीट्स वगैरह पढ़ा होगा, तो सब जगह आपने सुपरपोजिशन लगाया होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, यहाँ देखो बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, डॉट 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 Qn,
व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स, ये लिखा है देखो, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, मेरे को अभी गिवन चार्ज उसने Q1 कह दिया, मैंने आपको दे दिया कि Q1 पे निकालो, चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, उन सबका वेक्टर सम होगा। कहने का मतलब यहां पे ये है, मान लो मैं ही हूं, मुझ पे अभी चार लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर को लगा रहा है, एक इधर को लगा रहा है, एक उधर को खींच रहा है, एक पीछे को खींच रहा है, और हर कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स मुझ पे कितना होगा, जीरो हो गया। मान लो मैं क्यू वन हूं, ये क्यू टू है, आप क्यू थ्री, क्यू फोर, ऐसे इधर क्यू फाइव हो गए, तो अलग अलग आप चार पांच लोगों को सोच लो, खुद को ही ले लो, घेर लो इस तरीके से, तो रिजल्टेंट आप पे लगने वाला कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो हम किस पे निकालना है, देखो एफ वन वेक्टर निकालना है, एफ वन पे फोर्स, वन पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, देखो एफ वन टू वेक्टर प्लस एफ वन थ्री वेक्टर प्लस एफ वन फोर वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस एफ वन एन वेक्टर। तो उसने बोला इट इज व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। तो हमने ये चीज को देख लिया। अब आपको जैसे F12 निकालना है, आपको एक में निकाल के दिखा, तो वो क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब R तो बेटा सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग होगी ना, और 1 और 2 के लिए मान लो मैं R12 कह देता हूं इसको, ठीक है, और यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप, 2 फोर्स पे लगा रहा है 1 पे, तो 2 से 1 की डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, R21 कैप हो गया। ऐसे ही आप अगर F13 करेंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, और यहाँ पे R31 कैप हो जाएगा। ऐसी F14 वेक्टर निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R14 स्क्वायर और R41 कैप। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे और निकालते हैं, तो F1n वेक्टर निकालेंगे तो वो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R 1n लिख देते हैं, और यहाँ पे आर एन वन कैप। इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ उठा के रख देते हैं, तो आप इसको वैल्यू को उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रखने वाला हूँ, और जो मुझे कॉमन दिख रहा है मैं कॉमन ले लूंगा। तो एक तो 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, हालांकि होने को हर टर्म के साथ क्यू वन आ रहा है, सपोज मैं क्यू वन को रहने देता हूँ फिलहाल, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप लोग। पे क्या हो जाएगा, देखो F1 वेक्टर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और यहां पे R21 प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और R31 प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू एन अपॉन आर वन एन और यहाँ पे आर एन वन कैप हो जाएगा। अब देखिए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन हो गया, होने को क्यू वन भी कॉमन है, मन करा तो ले लो, नहीं तो रहने दो। क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर आर टू वन कैप हो गया प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री स्क्वायर और आर थ्री वन कैप प्लस डॉट 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 क्यू वन क्यू एन अपॉन आर वन एन और यहाँ पे आर एन वन कैप। इस तरीके से आप लोग निकाल देंगे तो आपका एफ वन वेक्टर निकल के आ जाएगा। और रही बात अगर फिर कैप को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, अब मैंने सिखाया था तुम्हें कैप को क्या लिख सकते हो, आर। जैसे अगर आप इसको कोई कहीं पे वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपके पास R21 वेक्टर क्या होगा, R21 इनटू R21 कैप, कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब जो तुम्हारा R21 है वो बराबर किसके होगा, R12 के। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कही है, 1 और 2 के बीच की तो बात तो एक ही है ना, 2 और 1 देखो, 1 या 2 देखो। वैसे मान लीजिए ये आपका 1 पार्टिकल है, 2 है, तो ये डिस्टेंस R12 भी यही होगी, R21 भी यही होगी, तो दोनों डिस्टेंसेस तो सेम रहेंगे ना, 1 और 2 के बीच की कहो या 2 या 1 के बीच की कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया,
तो यहाँ पे आर टू वन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा आर वन टू और यहाँ आर टू वन कैप। तो मैं आर टू वन कैप को निकालता हूं तो वो होगा मेरा आर टू वन वेक्टर अपॉन आर वन टू। अब मैं उठा के इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो एफ वन वेक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन। अब देखो बच्चों इसकी जगह पे लिखोगे तो यहाँ पे आर वन टू स्क्वायर एक आर वन टू ये आ गया तो आर वन टू क्यूब हो गया और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा आर टू वन कैप। तो जैसा पहले टर्म के साथ हुआ वैसी बाकी के साथ भी होगा। अब यहाँ क्या है क्यू वन क्यू थ्री अब यहाँ पे आर वन टू का स्क्वायर था क्यूब हो गया तो यहाँ आर वन थ्री का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आर थ्री वन कैप प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म लिख देता हूँ क्यू वन अपॉन आर वन एन ये स्क्वायर था तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा था और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आर एन वन। अच्छा ये देखो वेक्टर हो गए ना अब तो ये इनको हमने ऐसे वेक्टर की फॉर्म में लिख देना है तो आप ये फॉर्म भी लिख सकते हैं कैप के टर्म्स में आप वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर आपको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बोलेगा तो हम वो भी लिख सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप पहले ये फॉर्म देख लो फिर उसके बाद अगर मुझे मान लो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ ये देखते हैं। ऐसे मान लीजिए Q1 है और ये आपका Q2 था ठीक है Q1 की पोजीशन जो है R1 वेक्टर है और Q2 की पोजीशन क्या है आपकी R2 वेक्टर ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगी इसको आप R21 वेक्टर कह दीजिए R21 वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने देखा था क्योंकि फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रहा है ना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या पढ़ा था आपने जिनको आता है अच्छी बात है जिन्हें नहीं आता कोई बात नहीं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर इधर सी वेक्टर होता था तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते थे अगर दो वेक्टरों का एरो एक ही डायरेक्शन में है सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो उन दोनों का सम तीसरे के इक्वल होता था मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था। तो वही वेक्टर लॉ ऑफ यहाँ एडिशन लगाऊंगा तो देखो ये एरो लग रहा है आर टू और आर टू वन तो क्या हो जाएगा आर टू वेक्टर प्लस आर टू वन वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर। तो आर टू वन वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है देखो ये चीज को लिखना है तो मैं आर टू वन वेक्टर की जगह तो सीधे ये लिख दूंगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और यहाँ पे अगर आर टू वन वेक्टर इसका मॉड ले लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और R2 R21 के वेक्टर का मॉड मतलब ये वैल्यू हो गई। तो इस वैल्यू को तुम चाहे R21 वेक्टर बोलो या फिर R12 वेक्टर का मॉड बोलो बात एक ही है और ये आ जाएगी डिस्टेंस R12। तो जहां पे R12 डिस्टेंस है जहां पे R12 डिस्टेंस है वहां पे मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा इसकी जगह पे मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है ठीक है। और जहां पे आपका R21 वेक्टर लिखा हुआ है R21 वेक्टर की जगह पे आप लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अब इस तरीके से इसको अगर लिखते हैं तो ये आपका जो आंसर है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कैसे नाउ अब यहां ध्यान दो नाउ क्या F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह क्या है R12 की वैल्यू कितनी है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू बताएगा उसकी इसका क्यूब हो जाएगा क्यूब है यहाँ पे और यहाँ R21 वेक्टर तो R21 वेक्टर कितना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ठीक है प्लस अब सेम चीज दूसरे में फॉलो कर दो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q3 तो यहाँ पे देखो वन टू थे तो वन माइनस टू हुआ यहाँ वन थ्री है तो क्या हो जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर थ्री वेक्टर इसका मॉड क्यूब और यहाँ हो जाएगा आर वन माइनस आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस क्यू वन क्यू एन अपॉन क्या हो जाएगा देखो ये आर वन वेक्टर माइनस माइनस क्या हो जाएगा देखो आर एन वेक्टर इसका मॉड इसका क्यूब तो यहाँ पे आर वन वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर
इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्यू वन क्यू टू ले लिया, अब मान लो यहाँ कहीं क्यू थ्री होता तो मैं आर थ्री वेक्टर डाल देता, ये आर वन वेक्टर होता ऐसे। ठीक है, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो बच्चे सोचेंगे बाकी कैसे निकलेंगे, ये क्यू थ्री है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आर थ्री वेक्टर ये हो गया, और ये वाला क्या होता तुम्हारा, ये तुम्हारा आर थ्री वन वेक्टर हो जाता। तो क्या होता, देखो आर थ्री वेक्टर प्लस आर थ्री वन वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर। तो आर थ्री वन वेक्टर कितना आ जाएगा, आर वन वेक्टर माइनस आर थ्री वेक्टर, ये तो कर रखा है मैंने यहाँ पे, आर वन वेक्टर माइनस आर थ्री वेक्टर। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को करना है, ध्यान लगाना है। अगर अगर स्केलर क्वांटिटीज है तो वो खाली मैग्नीट्यूड ऐड होता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन का भी आपको ध्यान देना होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया।